नमस्ते दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो पे आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव, साथ साथ बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर होने वाला है। मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था एक टॉपिक से। टॉपिक क्या क्या? इंटर्नशिप सब स्टूडेंट को मिलता है? इंटर्नशिप में क्या सब लोग जाता है? इंटर्नशिप कहाँ पड़ता है? इंटर्नशिप के लिए बाहर जाना पड़ता है क्या? इंटर्नशिप होम टाउन में होता है? इंटर्नशिप में क्या होता है? इंटर्नशिप में स्टाइपेंड मिलता है क्या? इंटर्नशिप से पीपीओ मिलता है क्या? तो इंटर्नशिप से लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे मेरे पास। तो सारा क्वेश्चन का मैं आंसर आज के वीडियो में कर दूंगा कि इंटर्नशिप एक्चुअली क्या होता है, इंटर्नशिप में क्या सबको जाना पड़ता है, एंड इंटर्नशिप रिलेटेड और जो जो क्वेश्चन मेरे पास आया है सबका आंसर आज के वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। तो पहले बता देता हूं, इंटर्नशिप सबको करना पड़ता है एंड इंटर्नशिप कॉलेज से आप सबको प्रोवाइड करते हैं। तो इंटर्नशिप में जाने के लिए आप लोगों के पास कॉलेज से मेल आता है बहुत सारे कंपनीज का। आप जिस कंपनी में इंटर्नशिप करने के लिए इंटरेस्ट हो उस कंपनी के जो गूगल फॉर्म है वो फिलअप करना पड़ता है एंड वहां से आप लोगों को एक टाइम प्रोवाइड किया जाता है। वहां आपको जीडी, पीआई, एक्सेल टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, जो भी कंपनी का रिक्वायरमेंट है उस मुताबिक आप लोगों को फर्दर प्रोसेसिंग करना पड़ता है। एंड इस प्रोसेसिंग के पहले आप लोगों को कंपनी के डिटेल्स, कंपनी का वेबसाइट, कितना स्टाइपेंड आपको मिलेगा, पीपीओ है कि नहीं, सब कुछ आपको मेल में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी रहता है, आप चूज करोगे कि कौन सा कंपनी में, FMCG, FMCD या बाकी बैंकिंग कहाँ आपको बैठना है। सब कुछ आपको मेल में मिल जाएगा कॉलेज की तरफ से एंड अच्छे से पढ़ के आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना पड़ता है एंड उस मुताबिक आप फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जाते हो। एंड सेकेंड क्वेश्चन, सब लोगों को इंटर्नशिप मिलता है? हाँ, इंटर्नशिप सबको करना पड़ता है एंड सबको दिया जाता है। इंटर्नशिप पर 200 मार्क्स का पेपर है सेकेंड सेमिस्टर में, जहाँ आपको इंटर्नशिप करने के बाद एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर करना पड़ता है। आपका जो पूरा नॉलेज है, पूरा एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर PPT प्रेजेंट करना पड़ता है, वाइवा होता है। तो सब मिला के एक 200 मार्क्स का ये एक पूरा पेपर है सेकेंड सेमिस्टर में। एंड साथ ही साथ इंटर्नशिप कौन सी कंपनी में होता है? बहुत बड़े बड़े कंपनी में इंटर्नशिप होता है। स्टाइपेंड 25K to 7K इस बेस में स्टाइपेंड रहता है। तो इस बार ऐसे ही था 25K to 7K। इस मुताबिक आप लोग आपका जो कंपनी में चूज करोगे, बहुत बड़े बड़े कंपनी लॉरियल, अमूल, डाबर, टाइटन, इमामी, पार्ले, रामको मेरा ब्रांड इस तरीके की बहुत सारे कंपनी आते हैं। तो आप इस मुताबिक चूज कर सकते हो कहाँ आपको जाना है एंड सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको क्लियर करना पड़ेगा ऑब्वियसली। एंड ITC का लाइक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है पहले, उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग होता है। रामको में जैसे आपका पहले GD, उसके बाद PI, इस तरीके से प्रोसेसिंग होता है। इमामी का भी सेम, बट आप नेस्ले का पहले एक उन लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, उन लोगों का एक पोर्टल दिया जाता है, उसके ऊपर आपको गेम खेलना पड़ता है, एप्टी का गेम है। तो इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट भी वो डायरेक्ट प्रोवाइड कर देते हैं नेस्ले से एंड उसके बाद वो लोग शॉर्टलिस्ट करके आप लोगों को सिलेक्ट करते हैं GD PI के लिए। तो इस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ता है। एंड इस साल लॉरियल सबसे ज्यादा पैकेज दिया था 25K पर मंथ, बट उन लोगों का सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत टफ था, इसलिए मैं नहीं कर पाया। मोस्ट ऑफ द कंपनीज का इंटर्नशिप 8 weeks का होता है एंड कुछ कंपनीज आपको 12 weeks के लिए भी लेता है। तो ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर वो कितने दिन के लिए आपसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो ये था इंटर्नशिप एंड इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को एक सर्टिफिकेट या हैंड रिटेड आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो आपको प्रोजेक्ट का सेकेंड पेज में देना पड़ता है। जो प्रोजेक्ट आप सबमिट करते हो एक कॉलेज को, एक कंपनी को एंड एक यूनिवर्सिटी को एंड आप खुद के पास एक रखते हो। तो ये प्रोसेस था टोटल इंटर्नशिप का। एंड और क्या क्वेश्चन था? लगता है मैं सब क्वेश्चन का आंसर दे दिया। सबको इंटर्नशिप करना पड़ेगा एंड इंटर्नशिप से जो एक्सपीरियंस गेन होगा ये आपको हेल्प करेगा फाइनल प्लेसमेंट के इंटरव्यू में, क्योंकि आप इंटर्नशिप से जो नॉलेज गैदर कर रहे हो, जो सीख रहे हो, इसी से क्वेश्चन करते हैं जो फाइनल प्लेसमेंट के टाइम पे जो आपका कंपनी में, जिस कंपनी में बैठते हो, तो वो लोग आपको क्वेश्चन करते हैं कि इंटर्नशिप से तुम क्या सीखे हो, क्या लर्निंग्स था तुम्हारा, क्या क्या बैरियर्स तुमको लगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो इंटर्नशिप बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इंटर्नशिप में अच्छे से काम कीजिए एंड बने रहिए चैनल के साथ। आज का वीडियो ही तक था, वीडियो अच्छा लगता वीडियो लाइक कमेंट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। तो मिलेंगे ऐसे ही कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ बहुत जल्दी।